केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई अग्निवीर योजना के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता लेकर योजना से होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही इस योजना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना की शुरुआत की है, परंतु इस योजना के तहत मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल रक्षा मंत्रालय में युवाओं को दिया जाएगा, जिसमें 25% युवाओं को नियमित किया जाएगा, बाकी के 75% युवाओं को अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बातें कही जा रही हैं। परंतु पूरे प्रदेश में युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है और युवाओं के इस विरोध में कांग्रेस अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने भिलाई के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके माध्यम से यह बताया कि अग्निवीर योजना किस तरह युवाओं के हित में है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार को राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने आड़े हाथों लेते हुए युवाओं को वर्गलाने और भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सबसे पहले कांग्रेस की सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को पूर्ण करे, तब हम पर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बहुत परिवर्तनकारी क्रांतिकारी सोच के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना से युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा और उस उम्र में जिस समय वह अपने भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे समय पर उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग मिलना उनके बेहतर भविष्य के लिए, 4 साल के बाद में भी उनका भविष्य और सुनहरा हो, अच्छा हो, इस भविष्य को देखते हुए ये योजना निश्चित तौर पर बहुत क्रांतिकारी है और मुझे लगता है कि सभी को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में भारत के युवा बहुत मजबूती के साथ इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसमें भ्रम फैला रही है और कांग्रेस पार्टी के ये पुरानी रीति नीति रही है कि कांग्रेस पार्टी हर बार जो भी विषय आए हैं सेना के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करके उनके मनोबल को गिराना, सेना की कार्य क्षमता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने इस बार इस योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जिसकी जैसी सोच होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी को जैसा समझ आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार योजना को पढ़ना चाहिए और जो बात को वो कहना चाह रहे हैं, आज भारत की सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, अब वो 24 वर्ष हो जाएगी। युवा 24 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे भविष्य खुले हुए हैं। बहुत सी जगहों पर उसे नौकरी मिलेगी, जहां पर वो नौकरी करने जा रहा है आने वाले समय पर वहां पर वो 25% लोगों को वहां स्थायी नौकरी मिलेगी। तो एक बेहतर भविष्य के लिए जिस समय वो शादी विवाह की बात करता है तो नौकरी भी तो खोजता है, बिना नौकरी के कहां पे शादी विवाह की बात होती है। मुख्यमंत्री जी को इसे एक अच्छे सोच और सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। बिना पैसे के शादी ब्याह तो माता पिता भी नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य, एक अच्छा भविष्य, और अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ करिए, अगर अच्छा है तो अपने प्रदेश के युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उस पर राजनीति करिए। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी जी उस विषय पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्वेलित होना चाहिए, आप आग लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा में अगर लोग बात करते हैं, विधायक बात करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी बात कहेंगे तो भारत के युवा, छत्तीसगढ़ के युवा उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कहना चाहूँगी कि उनको बार बार ये भ्रमित करने की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। अभी उनका भी कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। 4 साल चल रहा है, जिन बातों को उन्होंने कहा है वो योजनाएं कहीं लागू नहीं, कोई घोषणा पत्र की बात नहीं लागू। घोषणा पत्र में जो बातों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात कही, आज के दिनांक तक बेरोजगारी भत्ता के लिए हम खोज रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने युवाओं को मिला, कहाँ मिला। शराबबंदी की बात कही, वो नहीं हो पाया। रोज आपके शासकीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको डरा के, धमका के, चमका के आप उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा किया जा सकता है। भारत देश का नारा है जय जवान जय किसान। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार किसानों के हित की बात करते हुए 3 काले कानून लागू करने का प्रयास किया था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह 3 काले कानून वापस लेने पड़े।
अब निशाना युवाओं पर है। देखना होगा कि यह योजना युवाओं को लुभाने में और मनाने में कितनी कामयाब हो पाती है, या तीन कृषि काले कानून की तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।